तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जा रहे हैं कि आरओ इंस्टॉल करने जा रहे हैं। जैसे नया आरओ आया है तो उसको हम इंस्टॉल करने जा रहे हैं, और इंस्टॉल कैसे करते हैं, कोई नया अनबॉक्सिंग आरओ करके हम उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि एक हमारा एक्वाफ्रेश का आरओ है, यहाँ पे हमें इसे इंस्टॉल करना है। तो इसका मैंने पैकिंग ओपन कर दिया था पहले, उसके बाद दोस्तों मैंने ये वीडियो स्टार्ट करा था। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं इसको इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप इंस्टॉल कैसे करते हैं आरओ को, मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उससे पहले आपको करना क्या है, अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप कोई आरओ परचेज करती हो तो दोस्तों आप उसको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो खुद से, तो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने इसका आरओ पहले निकाल लिया, निकालने के बाद दोस्तों हम इसकी जो कैबिनेट है, कैबिनेट को यहाँ पे खोल लेंगे। दोस्तों तो यहाँ से देख सकते हो, सबसे पहले हम इसका कैबिनेट खोल लेते हैं, पीछे का जो हमारा कैबिनेट है, पीछे से जो साइड और से जो हमारा पेज है खोल लेते हैं। उसके बाद हम इसके बॉक्स को खोलेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इसके टैंक में जो इसके पार्ट्स हैं, जो फिटिंग जो पार्ट्स होते हैं वो इसके अंदर पैक हैं। तो हम इसको अनबॉक्स करेंगे और इसको खोलेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि हमारा क्या क्या पार्ट्स है, और हम इसमें क्या क्या हमारा पार्ट्स कैसे कैसे लगेगा, हम आपको ये असेंबल करके आपको फिटिंग करके दिखाएंगे। दोस्तों दीवार में आप इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, अगर आप कोई नया आरओ परचेज करते हो तो आपको इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, आपको क्या क्या पार्ट्स मिलते हैं उसमें, आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे जैसे हमने बॉक्स खोला, तो बॉक्स खोलने के बाद इसका बोतल है, बोतल के बाद दोस्तों इसमें फिल्टर है, फिल्टर के बाद दोस्तों इसके पाइप वाइप हैं, टैप वैप है, देख सकते हो यहाँ पे। तो हम इसको ओपन कर लिए, करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम आरओ को खोल लेते हैं। खोलने के बाद दोस्तों हम इसे दीवार में हैंग कर लेंगे। तो दीवार में हैंग कैसे करना है, तो मैं दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो जैसे हम इसका पहले निशान लगा लेंगे दोस्तों यहाँ पे, और यहाँ पे हैंग कैसे करते हैं हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं दोस्तों। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो इसको अच्छे से हम सेंटर पे अपने हिसाब से सेंटर पे सेट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पे हम इसको इंस्टॉल करेंगे दोस्तों। तो ये देख सकते हो यहाँ पे, तो वीडियो में बने रहे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा तो दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करें, और साथ के साथ दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, नहीं तो दोस्तों आपको ये वीडियो नहीं मिल पाएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको हमेशा ऐसे ही कंटेंट वाली वीडियो आपको लेके आता रहूँगा दोस्तों। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें। तो जैसे ले लिया, उसके बाद हम यहाँ पे ड्रिल मशीन की मदद से यहाँ पे दीवार में दो होल कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले हम करना क्या, यहाँ पे होल कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम दीवार में पहले होल कर लेते हैं, उसके बाद उसको आपको करना क्या, आपको गिट्टी पेच लेके इसको हैंग कर लेना है यहाँ पे। तो हम इसको करना क्या दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, तो सबसे पहले तो हम इसको होल कर लेते हैं दीवार में, कर लिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे दो साइड होते हैं ना, क्योंकि दोनों साइड होते हैं, लेफ्ट और राइट साइड होते हैं, जब भी आप आरओ सेंटर पे आपका टिकेगा दोस्तों, नहीं तो ये क्या होगा, नीचे गिर जाते हैं। तो आपको करना है दो होल करने हैं दोस्तों यहाँ पे अपने हिसाब से, आप यहाँ पे दो होल कर लेना। तो यहाँ पे हम दो होल कर लेते हैं सबसे पहले तो ड्रिल मशीन से। उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, इसमें गिट्टी पेच लगा लेना है, जो हम पेच लगा लेंगे जिससे हमारा क्या आरओ उस पर इंस्टॉल हो जाएगा, जो हमारा आरओ गिरेगा ना यहाँ पे टिक जाएगा दीवार पे हमारा, जो दीवार पे दोस्तों यहाँ पे हम इसको हैंग करने जा रहे हैं। तो हैंग करने के लिए आपको हमें मशीन की ज़रूरत है, तो हमने इसे ड्रिल कर लिया। ड्रिल करने के बाद दोस्तों जो इसके पार्ट्स हैं, इस पार्ट्सों को हम इसमें लगा लेते हैं, जो जो हमारे पार्ट्स हैं उसको पार्ट्स को इसमें हम फिट कर लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों हमें करना क्या, ऊपर का जो हमारा शीशा है कैबिनेट, उसको हम यहाँ से खोल लेते हैं पेचकस से। पेचकस से खोलने के बाद दोस्तों जो इसके पार्ट्स हैं उसको हम लगा लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, नीचे हमने इसका टैप लगा लिया। टैप लगाने के बाद दोस्तों जो इसका मेम्ब्रेन है, हम इसका मेम्ब्रेन लगा लेंगे दोस्तों, क्योंकि जब हम नया आरओ इंस्टॉल करते हैं तो ये सारे पैकिंग वाले सामान आपको अलग से मिलते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो, इसका जो फ्लोट बॉल होता है दोस्तों, यहाँ पे जो आरओ कनेक्शन होता है जिससे पानी भर के ओवरफ्लो होता है और ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो यहाँ पे वो कनेक्शन भी दोस्तों यहाँ पे हमें करना है। यहाँ पे हम कनेक्शन भी कर देते, फिट कर देते उसे अच्छे से। और करने का दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, इसके जो पाइप है उसको फिटिंग करने हैं। और उसके बाद दोस्तों हमने इसे चेक कर लिया। चेक करने का दोस्तों यहाँ पे इसका मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन को भी हम यहाँ पे फिट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मेम्ब्रेन को फिट कर लेते हैं। फिट करने का दोस्तों इसका ढक्कन लगा लेंगे। ढक्कन लगाने का दोस्तों अच्छे से इसे हम फिट कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हो, अच्छे से हम इसको फिटिंग कर लेंगे। फिटिंग करने का दोस्तों हम इसको पैक कर देंगे। पैक करने का दोस्तों इसका जो कैबिनेट है, हम कैबिनेट लगा लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको पैक कर लेते हैं, दोबारा रिटर्न यहाँ पे इसको पैक कर लेते हैं वापसी। और पैक करने का दोस्तों हम इसको अच्छे से यहाँ पे फिट कर लेंगे दोस्तों, जैसे हमारा लगा हुआ था सेंटर पे, बिल्कुल अच्छे से हम यहाँ पे फिट कर लेंगे। फिट करने का दोस्तों यहाँ पे हमने पैक कर दिया। पैक करने का दोस्तों इसका कैबिनेट है, जो शीशा, हम इसको पैक कर देंगे दोस्तों। पैक कर देंगे दोस्तों, और यहाँ पे हम इसको पेच लगा लेंगे। और पेच लगा के दोस्तों इसको फटाफट हम यहाँ पे पेच कर देते हैं।
और उसके बाद दोस्तों हमें करना क्या है, उसके जो फिल्टर बोतल है उस फिल्टर बोतल में हमें कैंडल लगा लेना है। जी ये बाहर आप देख सकते हो साइड में ये रेड कलर का आपको कैंडल दिख रहा है, साइड में एक बोतल दिख रहा है। इस बोतल को भी हमें फिटिंग करना है आरओ के साथ, जो बोतल फिट होता है तो हमें इसे फिटिंग भी करना है, तो हम इसे फिटिंग कर लेंगे इसे भी। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो इसके जो सारे पीछे हम पेचों को फटाफट यहाँ पे कस लेंगे। और दोस्तों यहाँ पे देखो जो हमारा पानी लेने का जो वाटर है हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया दोस्तों, वाटर का टैप लगा लिया यहाँ पे, और हमने इसके जो पार्ट्स हमने इसको सारे फिट कर लिए। और फिट करने का दोस्तों हमें करना क्या है, इसको दीवार में इंस्टॉल कर देना है। और इंस्टॉल करना है उसके बाद दोस्तों उससे पहले हमें करना क्या, पाइप का जो कनेक्शन होता है टी पॉइंट का, वो टी पॉइंट का भी कनेक्शन करना है। टी पॉइंट का कनेक्शन कैसे कर सकते हो आपको इस वीडियो में वो सारे डिटेल और जानकारी मिलने वाला है दोस्तों, तो बस वीडियो पे बने रहे दोस्तों। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों, और साथ के साथ चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, आप सभी सवाल हो सवाल ज़रूर करें दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो सबसे पहले तो हम इस बॉटल को यहाँ पर फिट कर लेते हैं, तो बॉटल को अच्छे से यहाँ पर फिट कर लेंगे दोस्तों, ये देख सकते हो यहाँ पर, तो हम यहाँ पर बॉटल को फिट कर लेते हैं। तो ये हमारा बॉटल फिट हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें करना है कि दो साइड में एल्बो होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड, तो हम एल्बो को यहाँ पे अच्छे से हमें फिटिंग कर लेने यहाँ पे, तो यहाँ पे हम एल्बो को लगा लेते हैं और इसको बॉटल को हम अच्छे से फिट कर लेंगे। तो यहाँ पे बॉटल को भी हम फिट कर लेते हैं, और फिट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम इसको दीवार में इंस्टॉल कर लेंगे दोस्तों। और इसके बाद हमें करना क्या होगा, टी पॉइंट से हमें कनेक्शन कर लेना होगा, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे पहले। तो हमने जैसे आरओ इंस्टॉल कर लिया, करने का दोस्तों हमारा ये बॉटल है, बॉटल को इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो टी पॉइंट है, टी पॉइंट हम लगा लेंगे यहाँ पे फटाफट, हम टी पॉइंट को लगा लेंगे। तो हमने इसे फिट कर दिया, फिट करने का दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले जो टी पॉइंट लगा लेते हैं, ये देखो हमारा जो टी पॉइंट है यहाँ पे हम टी पॉइंट लगा लेते हैं पानी का कनेक्शन करने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टी पॉइंट लगाने लेंगे, जिससे क्या होगा हमारे जो टंकी में जो टंकी का जो वाटर है वो हमारे आरओ में आएगा, आरओ से प्योरीफाई होकर हमारे पीने के लिए आएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको करना है क्या, आपको टी पॉइंट से आपको कनेक्शन करना है। तो यहाँ पे हम टी पॉइंट ले लिया और यहाँ पे टी पॉइंट से हम इसका कनेक्शन कर लेते हैं। और कनेक्शन करने के बाद दोस्तों हमें करना है कि आरओ को फिटिंग कर लेना है, तो यहाँ पे कनेक्शन कर लेना। और इसके बाद यहाँ पे हम सारे पाइपों का कनेक्शन कर लेंगे। करने का दोस्तों यहाँ पे हम आरओ को यहाँ पे हमने फिट कर दिया अच्छे से, देख सकते हो यहाँ पे हम इसको फिट कर देते हैं। फिट करने का दोस्तों हम इसे ऑन करेंगे, और उसके बाद हम आपको पानी ऑन करके भी आपको दिखाएंगे लाइव ट्यूब, और आपको पानी चलता हुआ भी दिखाएंगे और यहाँ पे गिरता हुआ भी। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे आरओ फिटिंग कर लिया, फिटिंग करने का दोस्तों यहाँ पे से देख सकते हो हमने यहाँ से टी पॉइंट ले लिया, टी पॉइंट लेने का दोस्तों हमने यहाँ पे बॉटल लगा लिया, बॉटल लगाने का दोस्तों यहाँ पे हमने आरओ को फिट कर दिया और मशीन को ऑन कर दिया। तो दोस्तों ये देख सकते हो मशीन जो है आरओ प्लस यूवी है, और यहाँ पे देख सकते हो यूवी जल रहा है, यहाँ पे लाइट देख सकते हो ब्लू कलर का जो लाइट है वो जल रहा है, और ये हमने इसको ऑन कर रखा है। ऑन करने के बाद दोस्तों ये हमारा मशीन ऑन है, वर्क कर रहा है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमारा वेस्ट पानी गिर रहा है और फ्रेश पानी इसके अंदर स्टोर हो रहा है। तो आप देख सकते हैं हमारा जो वेस्ट पानी यहाँ पे सिंक में हमारा गिर रहा है पानी, ये देख सकते हैं हमारा जो पानी है सिंक में ये गिर रहा है, और इधर की तरफ आप देख सकते हो तो हमारा जो पानी है ना इसमें स्टोर हो रहा है। तो ये पानी स्टोर होने के बाद दोस्तों मैं आपको इसमें से निकाल के आपको टैप के द्वारा निकाल के आपको दिखाऊंगा भी दोस्तों यहाँ पे। और देख सकते हो यहाँ पे जो यूवी का लाइट है वो ब्लू कलर का यहाँ पे जल रहा है यहाँ पे, और ये हमारा मशीन बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। और दोस्तों बहुत ही बढ़िया अच्छे से फिटिंग हो चुकी है यहाँ पे। तो दोस्तों आप इस तरह अपने किसी भी नए आरओ को अगर आपको इंस्टॉल करना है तो कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, मैंने आपको इस वीडियो में वो सारा डिटेल और जानकारी बता दिया कि कैसे आप किसी भी आरओ को फिटिंग कर सकते हो, नया आरओ को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, और उसके पार्ट्स कैसे कैसे लगाते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में सारा कुछ बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों आपको करना क्या है, बस आपको वीडियो को लाइक करना है और साथ के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना है, और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों। और आपका जो भी सवाल है आप कमेंट जरूर करें दोस्तों, आपके कमेंट करने के बाद ही आपके सवालों का जवाब मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो, तो आपको अगर ये वीडियो तो यहाँ पे देख लेना दोस्तों, जैसे हमारा पानी स्टोर हो रहा है, पानी स्टोर होने का दोस्तों यहाँ पे जब हमारा टैप के लेवल तक पानी आएगा तो उसके बाद हम आपको यहाँ पे ऑन पानी निकाल के दिखाएंगे। और दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे हमारा एक्वा फ्रेश का आरओ है यहाँ पे, तो ये देख सकते हो एक्वा फ्रेश का आरओ है और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा वाटर है वो हमारा इधर से आउट है और इधर से इन है, तो ये हमारा इस तरह आरओ का बॉटल होता है और यहाँ पे इस तरह फिटिंग होती है आरओ की। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आपने बहुत सारे ऐसे देखे भी होंगे दोस्तों वीडियो यूट्यूब पे। तो दोस्तों मेरा कुछ अलग वीडियो है, मैं कुछ अलग तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आपको जेन्युइन चीज़ और जेन्युइन तरीके से आपको
बता रहा हूँ दोस्तों कि आप इस तरह आप किसी भी आरओ को इंस्टॉल कर सकते हो। ये देख सकते हो हमारा टैप से पानी आना स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ के साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों।